राइट, सो अभी जो आपको दिखने वाला है वो दिखने वाला है 360 कैमरा लगा हुआ है निक्सॉन में। ये हाइपरसोनिक का है और इसमें प्रोज एंड कॉन्स हम बताने वाले हैं आपको, क्या चीज़ें इसमें सही हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं। फिलहाल मैं बाहर के जो कैमरा है उसका सेटअप दिखा देता हूँ। लगता है जो कैमरा है, कैमरा और यहाँ पर लगा हुआ है जो आगे का व्यू आपको दिखाता है। तीसरा कैमरा आपका यहाँ पर लगा हुआ है, अगेन दोनों जो मिरर वाला है ये सेम है। कैमरा आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए। आपको कितना प्राइस पड़ा था इसका? ये अराउंड सब कुछ, मतलब ये इसके साथ मेरे को 42,000 का पड़ गया। 42,000 का। इसमें 360 कैमरा है, आपका सिस्टम भी इसमें हो जाता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी करता है चारों कैमरे का। तो कितना टाइम हो गया आपको लगाए हुए? ये हो गया मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने ही होने वाले हैं। 4 महीने होने वाले। मैंने ये अप्रैल में 25th को खरीदी थी गाड़ी, तो उसके 2-4 दिन बाद ही मैंने लगवा लिया था। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? वर्थ 42,000? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा पर्पस था इसको लगाने का, ये मेरा पर्पस सॉल्व करता है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसकी क्वालिटी देखो पहले। और अच्छा, चारों तरफ का मेरे को व्यू देता है, रिकॉर्डिंग करता है, डैश कैम मुझे एडिशनली मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, हाँ, तो मुझे डैश कैम भी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा डैश कैम का भी काम कर देता है। तो अगर आप ज्यादा नहीं देखो तो 10-12,000 रुपए तो कॉस्टिंग डैश कैम की करती है। देखिए, ये है डैश कैम की फुटेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों कैमरा है। ये फ्रंट का है, बैक का, लेफ्ट का, राइट का, और ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते रहता है। जो आपको व्यू तो दिखाएगा, साथ में कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते रहता है। और क्वालिटी इज डिसेंट। शायद 360 कैमरे में जितने भी मैंने इनबिल्ट देखे हैं उनसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। तो यहाँ पे हमने आगे पत्थर रख के देखा था, प्लास्टिक वगैरह, तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। तो विनोद जी से ये तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 360 ये हो गया 3D, जैसा कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। गाड़ी आप चूज़ कर सकते हैं क्या अपने हिसाब से? हाँ, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया आपका फ्रंट का व्यू दिखा रहा है, फ्रंट, और ये साइड में दिखाएगा, और ये आपका बैक का दिखाएगा। ये सेम यही है लेकिन इसका जूम्ड है। हाँ, जूम। अब देखिए जो ब्रिक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, जूम वगैरह क्लैरिटी है इसकी ऐसी है। और ये आपका लेफ्ट एंड साइड का दिखा रहा है, और ये आपका दिखा रहा है राइट एंड साइड का। ये दोनों लेफ्ट एंड राइट का दिखा रहा है। दिस इज इट। मुझे तो वर्थ लगता है एक्चुअली। और अभी मैं मनाली गया था, तो वहाँ पर तो मतलब बिल्कुल ही प्रूव हो गया, क्योंकि एक्चुअली जनरली हम काफ़ी पुराने ड्राइवर हैं, तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं हम इसको यूज़ करते। पर हाँ, मैंने जिस पर्पज़ के लगाया था, क्योंकि मेरे हिमाचल में रहता हूँ, वहाँ मुझे आना जाना होता है, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है जब आप अकेले हो और दूसरी तरफ का जो खाई वाली साइड है आपको कोई नहीं बता सकता। तो वहाँ पर ये इतना प्रिसाइजली, मतलब अकेले मैंने इतनी प्यार से एज पे ले गया गाड़ी को, मतलब बाहर ही ले गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा टायर मैंने बाहर की तरफ ही कर दिया था। तुम बिना डरे, बिना घबराए, आराम से मैंने ऐसा कर लिया। तो वो रीजन यही था कि एक तो ये जो क्वालिटी है इसकी कैमरे की वो भी, और प्रिसाइज है बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखा रहा है कितनी जगह बची हुई है। बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल टच करके चल रहे हैं। हार्मन भी सुना, आपको क्या लगता है क्वालिटी? नहीं देखो, हार्मन से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। हार्मन तो अलग ही लेवल पे है। पर हाँ, मतलब अगर एंड्रॉयड जो मार्केट में मिल रहे हैं उनमें, उनसे कंपेयर किया जाए तो ये बहुत बेस्ट है। तो पर हार्मन का तो नहीं, टच नहीं कर सकता। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे इतने अच्छे फीचर होते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि 360 कैमरा आप लगाओ अपनी गाड़ी में, ठीक है। फिर भी मैं इस पर नहीं गया। जो बहुत कैपेबिलिटीज़, मतलब थोड़ी सी जो फ्लॉ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो साउंड मैंने इसका सुना, हार्मन का डिफरेंस है, ठीक है, मैं कहूँगा 16-20 का डिफरेंस है, 17-20 का डिफरेंस है क्वालिटी में, क्योंकि हार्मन की टक्कर ही नहीं कर सकता। उसके अलावा जो एंटीना देखिए, यहाँ पे ये है एंटीना, बहुत लोग यहाँ पे लगाते हैं, कोई वहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। और ये इसका माइक है। अगर हम बात करें हार्मन की, ठीक है, हार्मन में होता क्या है कि यही जो यहाँ पे माइक लगा हुआ है, सुपीरियर क्वालिटी है, वो काम करता है, और एंटीना सेम उसी जगह पे लग जाता है। ये दो डिफरेंसेस हैं। एफएम में कभी कोई प्रॉब्लम आया आपको? एफएम देखा जाए तो बहुत बिल्कुल बेकार चलता है, बेकार चलता है, सिग्नल लेता ही नहीं है, लेता नहीं है बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। जहाँ तक जो ये सब बने हुए हैं ना, ये चाइनीज ही है, इसका जो टैगिंग वो डिफरेंट होके आता है। हाइपरसोनिक थोड़ा ब्रांड नेम हो गया,
लेना, लोगों ने लेना शुरू किया क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आजकल मैक्स लिंग भी काफ़ी चल रहा है, ये हाइपरसोनिक एक ब्रांड नेम हो गया तो उसके पैसे थोड़े बढ़ गए और लोग को वही सुनाई दें बार बार, कहते हैं ना निर्मा लेना टीवी पे एडवर्टीजमेंट किस लिए करते हैं, इसीलिए ये ब्रेन वॉश होता है। तो हाइपरसोनिक हो गया और जो दूसरे जो ब्रांड है सिमिलर है लेकिन वो ब्रांडिंग नहीं हो रही कि लोग को नहीं पता तो वो बिकते नहीं है, इससे हाइपरसोनिक बिकता है। ठीक है, अब ये सिस्टम उनके लिए जैसे बताया जिनके पास एक्सी मॉडल कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और ये सिस्टम उनके लिए है अगर कोई एक्सएम में भी लगाना चाहता है जिनको फीचर चाहिए। अब ये फीचर कौन नहीं चाहेगा अपनी गाड़ी में, है ना, जैसे हमारे विनोद भाई ने बताया जब मनाली गए थे तो जब रास्ता ऐसा होता ना तो कभी कोई बाहर उतर के कोई असिस्ट करने वाला नहीं होता, आप अकेले चला रहे हो तो क्या करते हो आप, सिंपली ये दबा दो, आपको लेफ्ट साइड का दिखेगा कितनी जगह बची वहाँ से निकाल सकते हो, और दिखने में कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है। ये फ्यूचर है, आने वाले टाइम पे यही होने वाला है हर गाड़ी में, ये हर गाड़ी में मतलब मैं बताऊं ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। हाँ, ऐसा फीचर अगर किसी और कौन नहीं लेना चाहेगा, हर कोई लेना चाहेगा, लेकिन फिर जो लिमिटेशन है प्रोडक्ट, अगर गाड़ी की बात करो निक्सॉन इतनी बिक्री है सब अच्छी है लेकिन फ्लॉज बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन कंपेयर करोगे और तो अच्छी इसलिए बिक रही है, सिंपल सिमिलरली अगर आपको ये फीचर चाहिए एक्सी मॉडल है ना, और ये माइक और आप एंटीने से फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा एफएम नहीं सुनते आप निकाल दो, और माइक वगैरह ज़्यादा बात नहीं करते हो फोन, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो बात करता हूँ लोगों से जिसके भी ईमेल्स होते हैं तो मेरे लिए जरूरी है, तो मैं इस पे इतना खूबसूरत 3D होते हुए मैं इसमें शायद नहीं जाऊंगा। डिस्प्ले देखिए बहुत बटरी स्मूथ है, टच वगैरह डिस्प्ले पे आइकॉन्स वगैरह देखिए, इतनी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए आपको पास मेमोरी तो होनी चाहिए ना, right. तो जनरली जब मैप खोलते हो तो लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। हाँ ये तो है, कनेक्टिंग कह रहा है थोड़ा सा मेरे को कभी कभी ना कनेक्टिंग में थोड़ा सा इशू लगता है इसमें कि या फिर इतनी दूरी से शायद इतना अच्छा नहीं करता, या मुझे लगता है अच्छा अब हो गया इनिशियली तक। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, पहले हमने लोड करने की कोशिश की थी तो 232 है तो इसमें टाइम लगता है यार, कोई भी अगर कंसीडर करना है 232 तो उसको अवॉइड ही करना। तो मेरा गोप्रो हो गया गर्म बहुत वाहियात है, हर 3 बार गर्म हो चुका है। तो फाइनल जो कंक्लूजन है जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताई दी है, ठीक है, जिनको फीचर वगैरह चाहिए, बड़ा स्क्रीन चाहिए, यूट्यूब वगैरह चलाना है तो आप 464 पे जाइएगा, 232 पे मत जाइएगा, थोड़ा लैगी है 464 क्योंकि इतने बड़े स्क्रीन को जो स्क्रीन की क्वालिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए, ये देखिए जो टस्क है इसका बिल्कुल मक्खन चलता है ना, और इसको बंद कर देते हैं, और जो इसका डिस्प्ले है देखिए बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है, बहुत ब्राइट है, धूप में भी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए कम से कम 464 पे जाएगा, 232 थोड़ा लैग ही रहेगा गूगल मैप वगैरह के लिए। दोबारा कासगंज जा रहे हैं विनोद भाई के साथ डायरेक्शन कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा मैं इसमें बताना चाहता हूँ इसमें स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है, मतलब आप इसके साथ मैप चला लो। अब देखिए इसे इसमें इतना टाइम लोड होने में लगता है, अगर आपके पेशेंस है तो गुड टू गो, वरना 464 पे जाइएगा। मैप भी फाइनली चल चुका है, और जैसे विनोद भाई ने बताया स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन इसमें आता है क्योंकि आजकल तो जितने भी हैं सब में ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यही था छोटा सा रिव्यू हमारे 360 कैमरा जो हाइपरसोनिक का है, विनोद भाई लेके आए, देख लीजिएगा। मैं तो कहूँगा 4 अगर जाना ही है आपको, अगर साउंड क्वालिटी वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके लिए, जाना ही है तो 464 पे जाइएगा, 232 पे जाइएगा, थोड़ा सा लैगी है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, सेल्फ बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय।